नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं लोक कल्याण के लिए चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में। आज मैं आपको बताऊंगा पैरों के दर्द के लिए बहुत सरल तरीके। जब पैरों में खून का दौरा कम हो जाता है तो पैरों में दर्द होने लगता है, इसके लिए पैरों को इस तरह से दबाइए। आप अपने पैर की हड्डी के साथ अंगूठा रखते हुए पैर की हड्डी की तरफ इस तरह से दबाइए। पूरी लेंथ में इस तरह से दबाना चाहिए। इस तरह हर जगह 5 से 10 बार तक दबाना चाहिए। इसके बाद पैर के पीछे के हिस्से को यानी पिंडली को भी अंगूठे से इसी तरह दबाना चाहिए। इसे भी हर जगह 5 से 10 बार तक दबाना चाहिए। दिन में 2-3 बार इस तरह पैर को दबाया जा सकता है। जहां दर्द मिले उन बिंदुओं को जरूर अच्छी तरह से दबाएं। ठीक इसी तरह पैर के बाहर की तरफ भी हड्डी के साथ साथ अंगूठे से हड्डी की तरफ दबाते हुए पूरे पैर में दबाना चाहिए। हर एक जगह 5 से 10 बार तक दबाना चाहिए और जिन बिंदुओं पर दर्द मिले उन्हें अच्छी तरह दबाना चाहिए। एक बकेट में हल्का गर्म पानी भरकर पैरों को उसमें 15 से 20 मिनट तक डुबोकर रखना चाहिए। साथ ही पैरों पर तिल के तेल से मालिश भी करनी चाहिए। मालिश की दिशा ऊपर से नीचे की ओर रहनी चाहिए। मालिश और पानी वाले उपचार में 1 घंटे का अंतर रखना चाहिए। रोज़ाना ये उपचार करने से बहुत जल्दी पैरों का दर्द ठीक हो जाता है। ऐसे ही सरल एक्यूप्रेशर टिप्स, हेल्थ टिप्स और हेल्थ फैक्ट्स देखते रहने के लिए आज ही मुझे सब्सक्राइब कीजिए।